please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बलात्कार के दोषी राम रहीम और उसकी सबसे बड़ी रास्तार हनीप्रीत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मरीना कुंवर नाम की एक मॉडल सामने आई है जिसने राम रहीम पर अपनी फिल्म में रोल दिलाने के बहाने उससे अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। मॉडल मरीना का दावा है कि हनीप्रीत ने उसे बाबा की गुफा में भेजा था। बाबा और हनीप्रीत की जुगल जोड़ी के लिए कई सनसनीखेज राज उसने खोले हैं। अगले कुछ मिनट में बाबा के हर राज बताएगी कुंवर। बाबा ने मुझे एकदम से ऐसा करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सेम हरकतें करना शुरू कर दिया, मेरे पर्सनल चीजों को टच करना। मुझे बेडरूम के अंदर जब लेके गए तो मेरे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे थे, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इस कदर उन्होंने पकड़ा हुआ था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, नहीं तो मैं भाग पा रही थी, नहीं तो मैं कुछ कर पा रही थी, बिल्कुल बेबस हो चुकी थी मैं। हनीप्रीत जो बोलती थी मैं वही करती थी। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम अपने डेरे में किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, ये राज बाहर आ चुका है। लेकिन बाबा ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी अपनी बुरी निगाहें फेर दी थी। वो मॉडल्स और हीरोइन पर भी हाथ डालने से बाज नहीं आया। आरोपों की माने तो हनीप्रीत भी उसके इस खेल में मददगार थी। हनीप्रीत और बाकी लोग भी बैठे हुए थे और हनीप्रीत मेरे को इशारा करती है कि बाबा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हनीप्रीत पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि वो बाबा के गंदे खेल की सबसे बड़ी हमराज और सबसे बड़ी मददगार थी। हनीप्रीत की एक दोस्त और बाबा के डेरे में रह चुकी एक पूर्व साध्वी तो ये भी आरोप लगा चुकी है कि हनीप्रीत बाबा को लड़कियों की सप्लाई करती थी। जी वो भी जाम पे आके भी उन्हें कुड़ी कुछ पता नहीं चलता सी जी, उन बाबा जी सारा वो हुंदा सी। हनीप्रीत कुड़ियां बाबा जी कोले जी गाहां सप्लाई करती सी। अपनी गिरफ्तारी के बाद हनीप्रीत ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उसका दावा है कि उस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि आरोपों की माने तो हनीप्रीत के साथ ही बाबा के इस गंदे खेल में सबसे बड़ा मददगार बन गया था फिल्मों का उसका धंधा। पैसे और एक डेरे की प्रमुख के अपने रुतबे का इस्तेमाल कर बाबा राम रहीम ने कई फिल्में बनाई, उसमें काम किया। आरोप है कि अपनी फिल्मों में काम करने के लिए उसने फिल्म इंडस्ट्री की कई मॉडल से भी संपर्क किया। ऐसी ही एक मॉडल है मरीना कुंवर। फिल्म इंडस्ट्री में मरीना कुंवर की पहचान एक बोल्ड और बिंदास अदाकारा की है। वो टीवी के चर्चित शो बिग बॉस में भी काम कर चुकी है। मरीना ने बाबा राम रहीम पर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। मरीना का दावा है कि अपनी गुफा में ले जाकर बाबा उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी कर चुका है। बाबा ने मुझे एकदम से ऐसा करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सेम हरकतें करना शुरू कर दिया, मेरे पर्सनल चीजों को टच करना। मरीना के मुताबिक बाबा राम रहीम ने उसके साथ अपने पाप की गुफा में गलत हरकत की थी, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये वही गुफा है आरोपों के मुताबिक जहां बाबा ने कई साध्वी और डेरे के हॉस्टल में रहने वाली बहुत सी लड़कियों की आबरू को तार तार कर दिया। बाबा की इस गुफा का राज खुल चुका है। गुफा में बाबा ने अय्याशी का सारा इंतजाम कर रखा था। मॉडल मरीना कुंवर का दावा है कि इसलिए बाबा उसे भी अपनी गुफा में चलने के लिए बरगलाने की कोशिश कर रहा था। जब हमारी मुलाकात कुछ 6-7 घंटे हुई और उसी दौरान वो बीच में मेरे को बोलते थे आप गुफा में आओ, मेरे डेरे पे आओ, जब तुम डेरे पे आओगी गुफा में आओगी तो ये दुनिया भूल जाओगी, ऐसा लगेगा ये जन्नत है। तो मैंने बाबा को बोला बाबा आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी और मैं जरूर गुफा में आपके पास आऊंगी। मरीना कुंवर के मुताबिक बाबा राम रहीम ने गुफा में आने का न्योता उसे पहली मुलाकात में ही दे दिया था। बाबा से उसकी ये मुलाकात करीब 1 साल पहले हुई थी।
मॉडल मरीना कुंवर का दावा है कि बाबा से उसकी ये मुलाकात अपने आइटम नंबर के लिए मशहूर राखी सावंत ने कराई थी। राखी सावंत ही उसे बाबा गुरमीत राम रहीम से मिलाने के लिए ले गई थी। राखी ने मुझे बोला था कि बाबा एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें एक लड़की की जरूरत है जो सेक्सी एंड हॉट दिखनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो राखी ने मुझे बोला कि बाबा फिल्म बना रहे हैं और उसके लिए तो फिट है, और इनफैक्ट बाबा को उसने एक मेरी पिक्चर भी दिखाई थी, तो बाबा वो पिक्चर देख के बोले नहीं नहीं मुझे तो ये लड़की चाहिए चाहिए। मरीना कुंवर का दावा है कि वो बाबा गुरमीत का नाम सुनकर उसके पास जाने को राजी हो गई। बाबा ने मरीना से अपने डेरे में मुलाकात की। मुलाकात के वक्त हनीप्रीत भी वही मौजूद थी। मरीना का दावा है कि पहले भी मुलाकात में बाबा उसे बहला फुसला कर अपनी गुफा के अंदर ले गया। हनीप्रीत ने भी उसे अंदर जाने का इशारा किया था। मरीना के मुताबिक गुफा में वो बाबा के साथ अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर बलात्कारी बाबा राम रहीम ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाबा अंदर मेरे साथ गए और जाने के बाद बाबा ने मुझे एकदम से ऐसा करके पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सेम हरकतें करना शुरू कर दिया, मेरे पर्सनल चीज़ों को टच करना, मेरे बैग को एकदम ऐसा पकड़ के उन्होंने रखा था कि मैं अपने आप को कहते ना ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी, हिल तक नहीं पा रही थी। मॉडल मरीना के मुताबिक बाबा ने अचानक ही उसे पकड़ लिया था जिससे वो बेबस हो गई थी। हालांकि इसकी एक वजह ये भी थी कि बाबा ने गुफा में जाने से पहले उसे एक ड्रिंक पीने के लिए दिया था। मरीना के मुताबिक उस ड्रिंक के पीने के बाद उसका खुद पर वश नहीं चल पा रहा था, वो बाबा के हुक्म का गुलाम बन गई थी। पीने के बाद पता नहीं मुझे ऐसा लगता है उसमें या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या पता नहीं क्या चीज़ थी। उसके बाद मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि मेरा दिमाग काम करना पूरी तरीके से बंद हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ बाबा जो मुझे बोल रहा था मैं सिर्फ वही किए जा रही थी, वो जैसा कहता था मैं वैसा ही करती थी। मरीना ने ये भी दावा किया कि जब बाबा उसकी तारीफ कर रहा था तो हनीप्रीत को उससे जलन भी होने लगी थी। मरीना का कहना है कि वो बाबा के रुतबे के कारण डर गई थी, उसे पुलिस के पास जाने से डर लग रहा था। लेकिन अब जब बलात्कारी बाबा जेल में है और हनीप्रीत पर भी कानून का शिकंजा कस चुका है तो वो दुनिया के सामने आई है। वो अपनी आप बीती इसलिए बता रही है ताकि कोई और किसी ढोंगी बाबा के जाल में ना फंसे। अड़तीस दिन तक पुलिस को छकाने के बाद हनीप्रीत जब सामने आई तो उसने बाबा राम रहीम से उसके रिश्ते की बातों को अफवाह करार दिया। लेकिन कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। हनीप्रीत जिन आरोपों को बेबुनियाद कहती है उन आरोपों को एक साथ पांच चेहरे सच ठहरा रहे हैं और बाबा हनीप्रीत के रिश्तों पर लग रहे आरोपों को नई धार दे रही है बाबा की जोर जबरदस्ती का शिकार बनने वाली मॉडल मरीना कुंवर। फिल्मों में लव चार्जर गाने पर थिरकने वाला बाबा राम रहीम असली जिंदगी में मॉडल मरीना कुंवर का लव चार्जर बनना चाहता था। मॉडल मरीना कुंवर का दावा है कि फिल्म में काम के सिलसिले में बाबा से उसकी कई बार मुलाकात हुई। बाबा उसे यू आर माई लव चार्जर गाना सुनाता था, उसकी तारीफ करता था। हमेशा मुझे बोलता था तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है और तुम्हारा जिस्म इतना सुंदर है और तुम अभी तक कुछ किया नहीं है तुमने। लेकिन इस मॉडल ने ये भी दावा किया कि जब बाबा उसे ज्यादा पसंद करने लगा तो हनीप्रीत को परेशानी होने लगी। बीच में हनीप्रीत जब भी बाबा मेरी तारीफ कर दे या बाबा मेरे लिए कुछ अच्छा बोले तो हनीप्रीत को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी अंदर आ चुकी थी, जल रही थी, जेलस फील हो रही थी कि कहीं बाबा मरीना के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो जाए। और खासकर कि आप उसको जानते हैं कि वो बाबा की बहुत ही क्लोज हैं और उनकी और आपस में उनका एक रिलेशन है। लेकिन 38 दिन तक पुलिस को छकाने के बाद हनीप्रीत सामने आई तो उसने सफाई दी, बाबा राम रहीम से अपने रिश्ते के बारे में लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। आरोप लग रहे हैं आपको तो बेगुनाह ये डेरे पे जो आरोप लग रहा है ये बेगुनाह। हनीप्रीत का दावा है कि राम रहीम से उसके रिश्ते के बारे में अफवाह फैलाई गई। सच ये भी है कि दोनों को करीब से जानने वाले एक नहीं कई लोगों ने इस रिश्ते के बारे में एक जैसे आरोप लगाए हैं। तो कौन सी
कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? मैंने करा ऑब्जेक्ट, वो कहते नहीं तो मैं तो सेवा करती हूँ, मेरा गुरु है, मैं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी, आपने जो करना कर लो मेरा। उस दिन ऐसा ये इकट्ठे रहे, उसके बाद में गुरमीत राम की काया पलट हो गई और जैसे ही बाहर निकले तो अपने नए अंदाज के अंदर थे, ठीक है ना, कोई लड़कियों को बाबा की लड़कियों को पूछता था डेरे में, ना लड़के की कुछ पूछती, सिर्फ हनीप्रीत थी। और दोनों के रिश्ते के बारे में सबसे संगीन आरोप उसने लगाए, जिसका दावा है कि वो हनीप्रीत की खास दोस्त थी, हनीप्रीत की सबसे बड़ी राजदार। ये महिला राम रहीम के डेरे की पूर्व साध्वी है। बाबा और हनीप्रीत की करतूतों से वाकिफ होने के बाद उसकी सहेली ने साल 2016 में आश्रम छोड़ दिया था। उसका दावा है कि आश्रम में रहते हुए ये हनीप्रीत की खास सहेली बन गई। इस वजह से ये हनीप्रीत और बाबा के वो राज भी जान गई जिन्हें दोनों जमाने से छुपाते थे। बेटी हुंदी है जी किसी दी, हुण एक बैड ते तां नहीं जी सोना हैगा भी, आपां हुण बाबा जी दी गड्डी च भी बैड लग्गिया होया सी जाण वास्ते, भी हनीप्रीत जदों नाल जांदी बाबा जी दी गड्डी च भी एवें बैड हुंदा सी, सानू कह दिंदी भी मेरी नग असीं दोस्त सी इक तरह दे। मॉडल मरीना कुंवर के मुताबिक बाबा ने उसे अपनी गुफा में ले जाने से पहले ऐसा ड्रिंक पिलाया था जिससे वो बेबस हो गई। हनीप्रीत की सहेली ने भी आरोप लगाया कि लड़कियों को बाबा की गुफा तक पहुंचाने से पहले उन्हें गुलाबी रंग का ड्रिंक पिलाया जाता था। प्याजी जी रंग दा जाम हुंदा सी जी, ओ पियाउणा हुंदा सी, ओ अपने आप कुड़ी जी बाबा जी दे फिदा हो जांदी सी। और हनीप्रीत की सहेली ने सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि बाबा तक लड़कियों को पहुंचाने का काम खुद हनीप्रीत ही किया करती थी। हां जी, ओ भी जाम पिया के भी उनू कोई कुड़ी नूं कुछ पता नहीं चलदा सी जी, हुण बाबा जी नूं सारा ओह हुंदा सी, हनीप्रीत कुड़ियां बाबा जी कोले जी गाहां सप्लाई करदी सी। और अब मॉडल मरीना कुंवर का बयान भी यही इशारा करता है। मरीना का आरोप है कि बाबा की गुफा में जाने के लिए उसे हनीप्रीत ने ही उकसाया था, इसके बाद ही गुफा में राम रहीम ने उसके साथ अश्लील हरकत की। वहाँ पे हनीप्रीत और बाकी लोग भी बैठे हुए थे और हनीप्रीत मेरे को इशारा करती है कि बाबा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे लगा शायद कुछ इन सब के सामने नहीं बात करना चाहते हैं। जाहिर है कई लोग हैं जिन्होंने हनीप्रीत पर आरोप लगाए हैं, कई घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं कि राम रहीम के पाप में हनीप्रीत बराबर की भागीदार है। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि वो 6 दिन के रिमांड में हनीप्रीत से सच उगलवाए। और मोहित अल्ट्रा बड़ी खबर दे रहे हैं, राम रहीम के खिलाफ हरियाणा पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मिली हार्ड डिस्क में 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की डिटेल है। यह हार्ड डिस्क पुलिस ईडी को सौंपेगी। पुलिस के मुताबिक इस हार्ड डिस्क को जलाने की कोशिश भी की गई थी। 700 करोड़ के लेन देन के सबूत अब मिले हैं और एक बड़ा, अगर कहा जाए एक बड़ा सबूत हाथ लगा है पुलिस के। हरियाणा पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ इस हार्ड डिस्क में 700 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की जो डिटेल है उसे अब ईडी को भी सौंपा जाएगा। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये ईडी को कब तक सौंपा जाएगा और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं? देखिए, ईडी के जो रीजनल डायरेक्टर है उनके साथ मीटिंग हो चुकी है हरियाणा के डीजीपी की, और ये जो हार्ड डिस्क मिली है उसके बारे में जानकारी दे दी गई है और उसको आज या कल में सौंपा जा सकता है। फोरेंसिक जांच इस हार्ड डिस्क की करवाई जा रही है जिसके अंदर जो तमाम सबूत हैं उसके बारे में डाटा जुटाया जा रहा है और वो सारी जानकारी ईडी को सौंपी जाएगी और उसके बाद उसकी जांच की जाएगी। तो फिलहाल ईडी को जल्द से जल्द सौंपने की तैयारी हरियाणा पुलिस की, और ये काफी बड़ा और अहम सबूत है जो हवाला कनेक्शन की पूरी डिटेल ईडी के सामने रख देगा। शुक्रिया मोहित। पंचकुला हिंसा मामले में पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा की 45 सदस्यीय कमेटी को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। हिंसा में इन 45 लोगों के शामिल होने की आशंका है जिनसे अब पूछताछ होगी।
बलात्कार के दोषी राम रहीम के खिलाफ हरियाणा पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत, एक हार्ड डिस्क से 700 करोड़ की प्रॉपर्टी और हवाला कारोबार की जानकारी मिली। पंचकुला हिंसा मामले में पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के 45 सदस्यों वाली कमेटी को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में व्यापारियों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगले आम चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेगी देश की जनता। 2019 का चुनाव जनता लड़ेगी, पार्टियां नहीं लड़ेंगी। ये बैटल इनके नेता जी और जनता के बीच में होगा। यशवंत सिन्हा का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा मेरा उठाया मुद्दा चल निकला, अगर नहीं चलता तो कोई सवा घंटे भाषण न देता। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली और एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंक पर रुख नहीं बदला तो डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ हर तरह का कदम उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और उनके साथियों पर हमले के विरोध में आज कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आज से फीफा अंडर 17 विश्व कप का आगाज, भारत और अमेरिका का उद्घाटन मैच देखने के लिए पीएम भी आ सकते हैं स्टेडियम।